R1 को तो स्टार्टिंग में हारना है। अरे सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास यहाँ पे 5 बाइकें होने जा रही हैं। आज हम करने जा रहे हैं बहुत टाइम बाद पेंटा बटन रेस। तो हमारे पास यहाँ पे बाइकों का लाइनअप ऑलरेडी हो चुका है। दोबारा से कर दो। नहीं कोई बात नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे आज बाइकों का लाइनअप हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे राइडर 1, 2, 3, 4 और एक में 5। तो हमारे पास बाइक यहाँ पे एक है ड्यूक और दूसरी यहाँ पे जिक्सर 250 और तीसरी बाइक है NS, चौथी बाइक मेरी R15 और पांचवी बाइक MT यहाँ पे है। तो यहाँ पे पावर फिगर बात करें इसमें आता है 155 cc का इंजन और 14 Nm टॉर्क और 18 PS का पार। सेम इसमें भी वही चीज़ आती है। और अगर जो हम NS की बात करें तो NS में आता है 19 Nm का टॉर्क और 24 PS का पावर। वहीं पे हम अगर जो जिक्सर की बात करें इसमें 26 PS का पावर और 22 Nm का टॉर्क आता है। और वहीं पे हम ड्यूक की अगर बात करें, ड्यूक में यहाँ पे 250 cc का इंजन आ रहा है और 250 cc का इंजन यहाँ पे जिक्सर में भी आता है। और ड्यूक में यहाँ पे 30 PS का पावर और 25 Nm का टॉर्क यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ये सब लोग देख सकते हो। तो खैर पावर फिगर तो मैंने बता दिया, CC भी आप पता ही होगा। जो चीज़ छूट गई या रहेगी वो मैं GoPro पे आके बात करूँगा। धूप बहुत तेज़ हो रही इसलिए हम फटाक से हेलमेट पहनते हैं और ड्रैग को जितनी जल्दी हो सकता है हम शुरू करते हैं। भाई साहब R1 भाग गई। और यहाँ पे गाइस हम निकल चुके हैं MT-15 सबसे। R1 ऐसे कैसे भागेगी? R1 को तो स्टार्टिंग में हारना है। अरे R1 शुभम वाली बहुत प्यारा भागती भाई, लेकिन NS को भी मानना पड़ेगा, मेरे वेट पीछे है भाई। NS 200 भी निकल गए चीरते हुए। लॉन्च ही गड़बड़ कर दिया, इन्होंने हॉर्न नहीं सुनाई पड़ा मुझे। और देख सकते हो भाई सबसे आगे ड्यूक 250, फिर जिक्सर, फिर R5M और फिर है NS 200। विंड ब्लास्ट है इधर से। उसके बगल में है MT का आता पता भी नहीं है शायद। अभी भी R1 आगे है, फेयरिंग का पूरा फायदा उठा रही है। लिमिटर ना है, बस लिमिटर ना है। लिमिटर आ गया यार, शुभम बाजी मार गया लग रहा है। लिमिटर आ जा रहा है इसका भाई, टॉप एंड में है यार R1। अच्छी इसका लिमिटर ही आता जा रहा है। गाइस
भाई तो फर्स्ट राउंड की विनर थी ड्यूक 250, उसके बाद थी SF 250 मतलब जिक्सर 250, सबसे पीछे है MT। तो गाइस आपने जैसा कि देखा आपने सब लोगों के कैमरों की क्लिप देखी, बट मेरे कैमरे की क्लिप नहीं देखी। और अभी धूप इतनी हो रही कि दोबारा मन नहीं कर रहा है फिर से रेस को हम लोग रिपीट करें। हालांकि रिजल्ट और सब कुछ सेम होने वाला है, बस मेरे कैमरे से आप लोग क्लिप नहीं देख पाओगे, बाकी सारे कैमरे से आप क्लिप देख पाओगे, वो मैं लगा दिया हूँ ऑलरेडी आपने देखा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे जो विनर थी वो सेम मतलब कि ड्यूक 250 थी, और सेकंड पे यहाँ पे जिक्सर, फिर थर्ड पे R15, फिर NS, उसके बाद MT। तो ये था यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट। उसके बाद हम सेकेंड राउंड करके देखते हैं सेकेंड राउंड में क्या होगा। तो गाइज अब मैं चलाने वाला हूँ NS 200। निकला मैं सबसे आगे, आपका भाई है उसके पास शुभम निकल गया सबसे आगे, मैं हूं भाई। बहुत मेहनत, यहाँ पे गाइस ड्यूक सबसे तेज गई है, उसके बगल में जिक्सर लगी हुई है गाइस। मैं चला रहा हूँ यहाँ बाई डैम, और देखते हैं हम छू पाते हैं उन्हें कि नहीं। स्पीडो एरर बहुत देखने को मिलेगा यहाँ R5 में, 146, 147। ज़्यादा नहीं है जिक्सर से, देख सकते हो। लेकिन ड्यूक 250 बहुत आगे निकल गई है गाइस। आप लोग के लिए व्यू दिखाने के लिए हल्का सा मुझे साइड होना पड़ रहा है भाई, ये बाकी बंदे कहाँ है पता ही नहीं चल रहा भाई। SF 250 अच्छा भाग रही है, ड्यूक 250 ज्यादा आगे नहीं है। अब मैं थोड़ा सा टकिन हो चुका हूँ प्रॉपर, लेकिन ड्यू भाई साहब भाग रही है 250 बाइक, सीसी की बाइक, लिमिटर आ जा रहा 150-253 पे। एक बार पीछे मुड़ के देखता हूँ बाकी लोग कहाँ हैं भाई। वो बंदे वो रहे, फर्स्ट तो आ चुकी है भाई ड्यूक 250, फर्स्ट ड्यूक 250 आ चुकी है। शुभम भाई बहुत आगे चल रहे हैं, एक बार उन सबको आने देता हूँ मैं, R15 को आने दो, वैसे भी रेस खत्म होने वाली है। थोड़ा सा मौका देता हूँ R15 को आने का। वो देखो करो भाई
और जो है कि आपने देखा 150। तो गाइज यहाँ पे फाइनल रेस जो हो चुकी है, यहाँ पे सारी बाइकें सर लाइन से खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे फिर से सेम रिजल्ट वही आया, मतलब लास्ट में भी ड्यूक 250 जो है वो विनर विन कर गई है। मैं उसको चला रहा था, सबसे आगे मैं था, उसके बाद यहाँ पे जिक्सर, फिर R15, उसके बाद NS, फिर MT। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट था। और ये एक वीडियो, मतलब होप करते हैं आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आएगी, थोड़ा भी नहीं भी, क्योंकि मेरे कैमरे से आप क्लिप देख ही नहीं पाए, मेरे कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत होगी। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी बट रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब उसको हम थोड़ा सा फिक्स कर लेते ताकि आगे से कोई दिक्कत हमें ना हो। तो वैसे उसके लिए सॉरी मेरे कैमरे से जो क्लिप आप देख नहीं पाए। और बाकी यहाँ पे होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो, कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर जो फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राइट से हेलमेट से पहन चो, सेफ रखो, बाय बाय।